रोस्ट हैं, फिल्मी रोस्ट, ये खाके उस ज़माने के हैं जब फिल्म इंडस्ट्री पर बाबरा शरीफ, मुसर्रत शाहीन और अदाकारा अंजुमन का राज था। कौन सा खाका किस अदाकारा का है ये आपने खुद पहचानना है। पहला खाका है मुख्तसर तरीन हीरोइन। लोग पहली ही नज़र में उसे पसंद करने लगते, जिसकी वजह शायद ये हो कि वो पहली ही नज़र में पूरी नज़र आ जाती। कद ऐसा कि हर किसी को उससे झुक कर मिलना पड़ता। बकौल दिलदार, उसे देखकर लगता 10 कनाल की कोठी 10 मरले में बनाई गई है। गुलबर्ग से बारी स्टूडियो ड्राइविंग करती जाती तो ट्रैफिक कांस्टेबल पीछे लग जाता। इसलिए नहीं कि उसने ट्रैफिक जो है उसके असूलों की को खिलाफ अर्जी की होती, बल्कि वो जब अपनी बड़ी गाड़ी में गुजरती तो कांस्टेबल परेशान होकर ये जानने के लिए पीछा करता कि ये गाड़ी बगैर ड्राइवर के चल कैसे रही है। ताल्लुक उस ख़ानदान से है जिसकी ज़मीन भी छत से शुरू होती है। उसमें नस्वानियत फैसल रहमान से ज़्यादा और मर्दानगी सलमा आगा से ज़्यादा है। अपने नाम के साथ बाप का नाम लगाती है, हस्बैंड का इसलिए नहीं लगाती कि खामों तो बदलते रहते हैं, वालद तो एक ही रहता है। फिल्म में अपने हीरोज़ वहीद मुराद, मोहम्मद अली और शाहिद की तरफ देखकर डायलॉग बोलती तो लगता छत की तरफ देखकर बात कर रही है। चेहरा ऐसा मासूम, हीरो से मोहब्बत मांग रही होती तो लगता टाफियां मांग रही है। ऐसी औरत जिसके पास बैठकर आपको पता ही नहीं चलता कि आप मर्द हैं जब तक वो बता ना दे। हर वक्त शूटिंग में इतना बिजी रहती कि अपने छोटे कद के बारे में सोच सोच कर परेशान होने का उसके पास टाइम ही नहीं था। दूसरी औरतें जो 1 साल में सीखती हैं ये 1 माह में सीख लेती, इसलिए दूसरों की ज़िंदगी का 1 साल गुजरता है इसका 1 माह। वो आज 65 साल की नहीं है बल्कि 25 साल की है जिसका उसे 40 साल का तजर्बा है। अच्छा, दूसरा खाका है हसीना एटम बम। आपको पता चल गया होगा किसके बारे में है। उसे हसीना एटम बम शायद इसलिए कहते हैं कि जो हीरो उसके साथ एक गाना फिल्मा लेता फिर वो हीरो कम और हीरोशिमा ज़्यादा लगने लगता। बचपन ही से अदाकारा बनने की सलाहियतें थीं, यानी दिन का काम रात को करती थी। 12 साल की उम्र में उसकी आवाज़ इतनी बदल गई कि वो ना कहती तो हाँ लगता, अलबत्ता हाँ कहती नहीं थी, हाँ करती थी। ताल्लुक उस ख़ानदान से जहाँ माएँ बेटियों को इतना चेक नहीं करती जितना चेक समझती हैं। एक हमलावर ने उनके ख़ानदान के मर्दों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए तो उनकी ख़वातीन ने उसकी पुश्तों को कुश्ते लगा दिए। बचपन में जब शाम को उसे ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर पूछता 11 के बाद क्या आता है तो कहती मास्टर साहब कसम ले ले 11 के बाद कोई नहीं आता। साल में चंद महीने शादीशुदा रहती है। एक ऐसी ही अदाकारा ने कहा था मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरे पहले खावंत से, एक तीसरे खावंत से और एक मेरा अपना है। अपनी बेटी से कहा कि मुझे माँ नहीं बहन कहा करो, यूं उसने उसकी माँ बहन एक कर दी। फिल्मों में ऐसा लिबास पहनती है जो देर से शुरू होता है और जल्दी से ख़त्म हो जाता है। कुछ फिल्मों में उसका लिबास देखकर पता नहीं चलता वो लिबास के अंदर है और बाहर निकलना चाहती है या लिबास से बाहर है और अंदर जाना चाहती है। इतना तंग लिबास के सांस लेना मुश्किल हो जाता है देखने वाले का। दुराने गुफ्तगू अपने बारे में हम कल इस्तेमाल करती है। पहली शादी के वक्त सहेलियों के दरमियान बैठी थी तो मौलवी साहब ने पूछा आपको फलां बिन फलां कबूल है, तो बोली हमको कबूल है। मौलवी साहब ने टोका और कहा बीबी सिर्फ अपनी बात करो।
जिस जिस्म पर तकिया था अब वो खुद तकिया है। खड़े होने के लिए उसे एक बंदे की जगह आगे और एक बंदे की जगह पीछे खाली रखना पड़ती है। कहती है अब इतनी उम्र की नहीं जितनी 20 साल पहले थी, 5-6 साल बड़ी हो गई। बकौले दिलदार ये हमारी वो अदाकारा है जो आती हुई भी अच्छी लगती है और जाती हुई भी अच्छी लगती है। सुबह उठकर जब तक मेकअप ना कर ले खुद अपनी शक्ल नहीं देखती। घर में एक बार किसी की तबीयत ख़राब हुई तो किसी ने कह दिया दुआ करो, हालत से लगता है मौत का फरिश्ता आया चाहता है। तो वो फौरन बोली कौन आ रहा है, देना मेरी लिपस्टिक। ये खाका है हैवी वेट हीरोइन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये किस हीरोइन के बारे में है। इतनी बड़ी हीरोइन के सिनेमा की स्क्रीन बाद में नज़र आती, ये पहले नज़र आ जाती। फिल्म में डांस करते अक्सर जिस्म के कुछ हिस्से सिनेमा स्क्रीन से बाहर निकल आते, कौन से हिस्से निकलते हैं ये इस पर होता कि फिल्म उर्दू है, पंजाबी है या पश्तो। इतनी बड़ी हीरोइन कि एक बार एक बच्चा देख रहा था तो उसका बाप तंग आकर कहने लगा बेटा जितनी आज देख सकते हो देख लो, बाकी कल आके देख लेना। इतनी बड़ी हीरोइन हो तो ये फ़ायदा होता है कि कमज़ोर नीयत और नज़र वाले लोग भी फिल्में देख सकते हैं। ऐसे घराने से ताल्लुक है जिसे कोई भी ताल्लुक रख सकता है। उसके अदाकारा बनने की 3 वजूहात हैं। एक ये कि फ़न की खिदमत करना चाहती थी, दूसरी ये कि अपनी खिदमत कराना चाहती थी, और तीसरी ये कि उसके ख़ानदान में लड़कियां बड़ी होकर यही करती। कोई उम्र पूछे तो फिल्मों की तादाद बताकर बातों में लगा लेती है। खुश मिजाज है, खुश मजाक है, यानी अपने मजाक पर खुश होती है। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करती है, इसलिए जिसके साथ इज़्ज़त से पेश आए उसको समझ लेना चाहिए कि उसे अपना बुज़ुर्ग समझ रही है। फ़कीर और अंग्रेज़ की गाली हमारे यहाँ गाली नहीं समझी जाती। उर्दू की गाली तो गाली कम तकिया कलाम ज़्यादा लगती है। मुल्तान में गाली देने वाला लगता है गुजारिश कर रहा है, इसलिए वो गैरों को पंजाबी में गाली देती है, सिर्फ अपनों को मुल्तानी में गाली। हाँ किसी की इज़्ज़त करनी हो तो उर्दू में कर लेती है। हमारे ज़माने में टीचर स्टूडेंट्स को दरिया को कूजे में बंद करना मुहावरा जब समझाना होता तो इसकी पेंट वाली तस्वीर दिखाते, स्टूडेंट खुद समझ जाते। मज़हब से इतना लगाव है जब भी बाहर गई अरब मुल्कों में गई, रक्स कर रही हो तो लगता है वर्जिश कर रही है, और उसका रक्स देखकर बंदे की भी वर्जिश हो जाती है। जिस खेत में उसका एक बार गाना और डांस फिल्मा लिया जाए उसमें 2 साल फसल नहीं होती। बीस साल हीरोइन रही पर नौजवान उसकी हर फिल्म को बार बार देखते, हर बार उन्हें लगता कि अभी भी कुछ देखने से रह गया है, क्योंकि ये वही नौजवान थे जो जब बच्चे थे तो उनके वालिद ने कहा था बेटा जितनी देख सकते हो देख लो, बाकी कल आके देख लेना।